हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमैन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं पीईटी के लिए और पीएमटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड जैसा कि आप सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, एडमिट कार्ड कब आएंगे पीईटी और पीएमटी के लिए दोस्तों, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ट्रेडमैन का एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि जाने क्या कैसे होगा पीईटी और पीएमटी में क्या क्या होगा दोस्तों, और दोस्तों ट्रेड टेस्ट कैसा आना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है ट्रेड टेस्ट के लिए, और डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में दोस्तों सभी जानकारी कवर करूँगा। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए, और नए वीडियो ट्रेड आईटीआई ट्रेड की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा आरपीएफ ट्रेड कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन के बहुत बच्चे जो वेट कर रहे थे उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं पीईटी और पीएमटी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते क्या होगा पीएमटी और पीईटी में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने ये है कि आपके आपका सबसे पहले होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे पहले पीएमटी होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था जनरल और ओबीसी वाले मेल कैंडिडेटों की हाइट जो रहनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हाइट लिखी गई है 165 सेंटीमीटर। आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाएगी, और एससी एसटी की बात कर लें, एससी एसटी मेल कैंडिडेटों की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में आपकी हाइट, यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और वहीं एससी और एसटी की बात कर लें दोस्तों, तो एससी और एसटी फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो ये आपका मेजरमेंट होगा हाइट का। इसके बाद दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट कर लें, तो दोस्तों जनरल के स्टूडेंट और ओबीसी वालों के लिए चेस्ट रहेगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम, और एक्सपेंड करने पर दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए, तो 85 होना चाहिए। 80 सीना आपका बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपको होना चाहिए 85। ये हुआ ओबीसी और जनरल के स्टूडेंटों के लिए। वहीं एससी की बात कर लें, एससी और एसटी की बात कर लें, तो एससी और एसटी के लिए मतलब चेस्ट में छूट रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 76.2 होना चाहिए आपका चेस्ट, और फुलाने के बाद होना चाहिए 81.2। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर फूलना कंपलसरी है, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, फीमेल के लिए ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है दोस्तों। तो चलिए, फीमेल की सिर्फ हाइट चेक होगी, और मेल कैंडिडेटों की हाइट और सीना दोनों चेक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, आप अभी एक बार चेक कर लीजिए, आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो आपको देने मिलेगा पीईटी। चलिए पीईटी में देख लेते हैं पीईटी में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितने चांस मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज़ टू आपके लिए होगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले आपकी होनी है रनिंग, ये आप सभी को पता होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं, रनिंग होनी है ऑल कैटेगरी के लिए दोस्तों। यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की रेस कवर करनी है। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बहुत ईजी सी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको ये रेस कंप्लीट करनी है दोस्तों। और इसमें एक बात याद रखनी है कि रेस के लिए सिर्फ आपको एक चांस मिलेगा, पहले ही चांस में आपको ये रेस क्लियर करनी है। इसके बाद दोस्तों सेकंड इवेंट जो होना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप होना चाहिए आपका 9 फीट का लॉन्ग जंप है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी आसानी से पास कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हाई जंप की बात कर लें, तो हाई जंप रहेगा 3 फीट का, तो लॉन्ग जंप है 9 फीट का और हाई जंप है 3 फीट का दोस्तों। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपको रेस में सिर्फ एक चांस मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको दो दो चांस मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है, दो चांस मिलेंगे आपके लिए लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए, दो दो चांस मिलेंगे, और रेस के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। तो पीईटी बहुत ईजी है दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट आपका जैसे ही पीएमटी कंप्लीट होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके बाद आपका पीईटी होगा। पीईटी आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद आपका होना है ट्रेड टेस्ट। चलिए तो देख लेते हैं ट्रेड टेस्ट में क्या क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट क्या क्वालिफिकेशन रहेगी ट्रेड टेस्ट के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप पीईटी और पीएमटी को क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलने दोस्तों। यहाँ पे ये स्पष्ट बात लिखी गई है, ये सब मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ दोस्तों नोटिफिकेशन का। तो पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके बाद फेस थर्ड देख लीजिए आपका। फेस थर्ड में क्या होना है, ट्रेड टेस्ट होना है। ट्रेड टेस्ट में अब मैं आपको लिए बता देता हूँ ट्रेड टेस्ट में क्या आना है। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई पीईटी और पीएमटी, जो भी पीईटी और पीएमटी क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट 40 नंबर का होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मस्ट बी स्कोर मिनिमम 40%। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेटों के लिए मिनिमम 40% इसमें स्कोर करना अनिवार्य है। लगभग 18 से 20 नंबर आपके लिए अनिवार्य है दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी की बात कर लें तो 35% अनिवार्य है। 40 नंबर का टेस्ट होना है जिसमें से 40% जनरल और ओबीसी के लिए अनिवार्य है नंबर लाना, और एससी एसटी के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कैंडिडेट द कैटेगरी कांस्टेबल या आप इन कैटेगरी से, तो आपको ट्रेड टेस्ट में अलग अलग टाइप के ट्रेड टेस्ट होंगे दोस्तों अपने अपने हिसाब से। इन्होंने लिस्ट दी है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट किस किस टाइप के होने हैं। चलिए दोस्तों जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ ले जाने। और दोस्तों एडमिट कार्ड फॉर्म हमारी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको सबसे नीचे आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एडमिट कार्ड की लिंक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हु हैव क्वालिफाई पीईटी पीएमटी एंड ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो ये सब तीनों स्टेप क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सबसे पहले लगना है 10th की मार्कशीट, वो भी एज प्रूफ के लिए, जिस 10th की मार्कशीट वो वाली जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक नंबर में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए। वहीं दूसरा है 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, इन्होंने दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एससी एसटी और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। दो चीज़ें हो गई दोस्तों। इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन, यदि आपने एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरा है तो आपके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली जो डॉक्यूमेंट है, टू कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, तो दो फोटोग्राफ आपको लगेंगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ की कॉपी लगेंगी दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए दो फोटो। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपको लगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, एनओसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डोमिसियल सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, जिस भी स्टेट से आपने भरा है या जहाँ जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसका डोमिसियल सर्टिफिकेट लगेगा। तो सिंपली आपको बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जनरल को छोड़ के, ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, दो आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, दो फोटो होनी चाहिए, और आपके पास होना चाहिए डोमिसियल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके लिए अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे, यही सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इनको प्रॉफिट हो सके। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको हमारी डिस्क्रिप्शन की लिंक से दोस्तों। पीईटी में क्या होगा, पीएमटी में क्या होगा, ये सभी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले होगा पीएमटी, उसके बाद होगा पीईटी, इसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट जो आएगा 40 नंबर का, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 40% अनिवार्य रहेंगे, एससी एसटी के लिए 35% अनिवार्य रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपके लिए बता दी है, शॉर्ट में बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं तो, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एनओसी आपके लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आईटीआई से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन
हर टाइम मिल सके। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.thevirlstudy.com, जिस पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हर टाइप का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर के मंथली वीडियो मिलेंगे, स्टैटिक जीके से संबंधित, साइंस से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों आपके लिए वीडियो मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मिलेंगे, हिंदी ग्रामर से संबंधित मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही स्थान पर। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, थंबनेल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस पर ज़रूर विजिट कीजिए। इस पर भी बहुत अच्छी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।